महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने शुल्क वृद्धि को लेकर दिया धरना प्रदर्शन। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने परीक्षा शुल्क वृद्धि को लेकर विद्यालय परिसर में हंगामा किया। विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय के शुल्क वृद्धि को लेकर विद्यापीठ विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन छात्रों ने कहा कि यदि विद्यालय प्रशासन ने शुल्क वृद्धि को वापस नहीं लिया तो विश्वविद्यालय के छात्र आमरण अनशन को बाध्य होंगे व उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन छात्र नेता संदीप यादव के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राओं ने किया। वाराणसी धर्मेंद्र पांडे। यूजी का 500 रुपए था और पीजी का 600 रुपए था, इस वर्ष से बढ़ा करके यूजी का 700 कर दिया गया और पीजी का 900 कर दिया गया। ये विश्वविद्यालय पूरी तरीके से मनमानी कर रहा है, इसके खिलाफ हम लोग धरने बैठे हैं और हम लोग की मांग है कि आज अगर कम नहीं होता है जो पहले की तरह पूर्व रूप से था उसकी तरह अगर नहीं होता है तो हम लोग धरना चालू रहेगा और हम लोग आमरण के लिए बात। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ। किस तरह का धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया? धरना प्रदर्शन जो प्रवेश परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है उसको लेके है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का इस साल के पहले 500 रुपए यूजी और 600 रुपए पीजी का प्रवेश परीक्षा शुल्क लिया जा रहा था और इस साल से नए कुलपति साहब जी आए हैं, उन्होंने बढ़ाया है प्रवेश परीक्षा शुल्क यूजी का 700 रुपए और पीजी का 900 रुपए और एमएफए के लिए उन्होंने 1100 रुपए एक्स्ट्रा लगाया है। तो इसके लिए हम लोग 9 तारीख को ज्ञापन दिए थे कुलपति साहब को। कुलपति साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि 3 दिन में हम लोग करेंगे। आज 3 दिन पूरा हो गया, पोर्टल भी खुल गया है लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। अभी लगभग 1200 फॉर्म भर भी चुके हैं विद्यापीठ के साइट पे, अभी तक कुछ नहीं कार्य किया गया। उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उसको जल्द से जल्द काम करें नहीं तो हम लोग आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे।